फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने फसाई के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, तो जब भी आप फसाई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो है आपका एक स्टेज होता है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइजेशन का। तो जब डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइजेशन फसाई डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है आपके एप्लीकेशन का, तो कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं किया है या कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना आप भूल गए हैं, तो उस केस में जो है फसाई डिपार्टमेंट क्या करती है, आपके एप्लीकेशन को जो है वो रिवर्ट कर देती है। जब डिपार्टमेंट की तरफ से आपका एप्लीकेशन को रिवर्ट किया जाता है, तो आपको जो है इस प्रकार से आपको ईमेल और मैसेज जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है कि आप अपना जो है जवाब सबमिट कीजिए 30 दिन के अंदर। तो अगर आपको भी फसाई डिपार्टमेंट की तरफ से अगर इस प्रकार से अगर आपको मैसेज आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आता है, तो फ्रेंड्स आपको इसका रिप्लाई कैसे करना है, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया है। तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। ऑफन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले, फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको इस पेज पे आना है, मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए लॉगिन बिजनेस है, आपको लॉगिन बिजनेस पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही लॉगिन बिजनेस पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो है आपको फिल करके जो है इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही लॉगिन कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब फूड डिपार्टमेंट वाले जब आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रिवर्ट करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिवर्ट एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद जो है सबसे पहला ऑप्शन यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां पे देख रहे हैं आपका एप्लीकेशन यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है आप स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन रिवर्टेड टू FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर। इसके बाद जो है आप यहाँ पे एक्शन के कॉलम में आ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं प्रोसीड का बटन है, यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे जो है आपके पास में इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी का। और यहाँ पे जो है आप अथॉरिटी रिमार्क्स भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या मुझे यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, एग्रीमेंट पेपर मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, या सेल डीड का पेपर मुझे अपलोड करना पड़ेगा, या प्रीमाइसेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल मुझे यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे कंप्यूटर ऑपरेटर से जो है मिस्टेक हुआ था, प्रीमाइसेस के एड्रेस प्रूफ में जो है उन्होंने गलती यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको करेक्ट करके जो है यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं रीजन पर्पस फॉर एडिटिंग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको क्या अपलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो है नोटराइज एग्रीमेंट पेपर में यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं सेम चीज़ यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद जो है यहाँ प्रोसीड के बटन पे क्लिक करूंगा। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा, आर यू श्योर वन टू प्रोसीड, तो आपको ओके पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन ये ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है यहाँ से डायरेक्टली पूरा नीचे आ जाएंगे और यहाँ प्रोसीड का बटन है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है क्लिक हेड टू अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, आपको नीचे आना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे जो सेट प्रीमाइस लोकेशन था यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा सेव एंड नेक्स्ट पे, तो आपके पास में इस प्रकार से आएगा, तो यहाँ पे पूरा नीचे चले आएंगे, ठीक है। जैसे नीचे आएंगे और यहाँ पे जो है आपको सेव एंड नेक्स्ट दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर अगेन जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने पड़ते हैं वो सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्रीमाइसेस में कौन सा डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे सेक्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो थर्ड नंबर का है, आपको इसी में जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। सेल डीड हुआ, चाहे नोटराइज एग्रीमेंट जो आप अपलोड करें वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीवियसली क्या अपलोड किया था वो मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे जो है GST नंबर जो है यहाँ पे अपलोड लास्ट टाइम हो गया था, बाई मिस्टेक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है हम लोग अपलोड सही डॉक्यूमेंट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा उसको आप जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ पे अपलोड का बटन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ये आपका डॉक्यूमेंट जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया उसको व्यू पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने नोटराइज यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट जो है मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है आपको वापस जो है आपको पहले वाले पेज पे आ जाना है, और यहाँ पे जो है आपको नीचे आ जाएंगे और यहाँ एक बॉक्स मिलेगा, आपको इस बॉक्स में टिकआउट कर लेना, उसका
पूरा नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर सबमिट का बटन आपको दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन है यहाँ पे सबमिट हो चुका है, और यहाँ पे जो है आपका रिसिप्ट जो है यानी कि जो लेटेस्ट रिसिप्ट होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपका अपडेशन डेट यहाँ पे लिखा हुआ यानी कि आज के दिन जो है मैंने अपडेट किया है, और इसका जो एप्लीकेशन डेट है 4 अप्रैल 2022 का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वापस इस पेज पे आ जाना है, और यहाँ पे जो है आपने एप्लीकेशन जो सबमिट किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप देख रहे हैं सबमिटेड एप्लीकेशन है, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ व्यू हिस्ट्री पर हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग व्यू मॉडिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज 2 डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटनाइजेशन लिखा हुआ, और एडिटेड सेंड बाय यानी किसके थ्रू भेजा गया, दीप प्रताप सिंह के थ्रू भेजा गया, और किस दिन मैंने यहाँ पे एडिट किया वो डेट यहाँ पे मेंशन रहेगा। और यहाँ पे जो है आपको रिमार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रिमार्क्स जो भी रहेगा वही आपका जो है यहाँ पे FBO के रिमार्क्स में आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपके एप्लीकेशन को रिवर्ट किया जाता है तो आप इस प्रकार से जो है आप इसका रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा हो ना वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं जानकारी है कि अगर वो कभी भी फसाई का लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं और उनको फसाई डिपार्टमेंट की तरफ से अगर उसके एप्लीकेशन को रिवर्ट किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट्स के अभाव के कारण, तो वो अपना रिप्लाई कैसे कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।